जैसे आपने कमिटमेंट किया, हिम्मत पैदा किया, आपके अंदर इनोवेशन और चेंज लाने की और काम करने की क्रिएटिविटी पैदा हुई, जब आपके अंदर क्रिएटिविटी पैदा हो गई, आपको बॉल खेलना आ गया, आपको फील्डिंग करना आ गया, आपको 4-6 मारना आ गया, तो आपके अंदर क्या पैदा हो गया? कैपेबिलिटी, हिम्मत पैदा हो गई। क्या हो गई? हिम्मत। अभी ये पहले हिम्मत थोड़ी पैदा होगी, पहले कमिटमेंट करना पड़ेगा, फिर उसके लिए हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए, फिर करेज आया, क्रिएटिविटी आई, और क्रिएटिविटी आई तो आपके अंदर क्षमता पैदा हो गई कि मैं हर महीने 1 करोड़ 5 करोड़ का बिजनेस कर सकता हूं, ऐसा कैपेबिलिटी आ गई। और जिन लोगों ने कमिटमेंट कर दिया, जिन लोगों ने वादा कर दिया कि सर मैं ऐसा काम करूंगा, और हिम्मत भी रखा, मेहनत भी किया, जोश भी रखा, जुनून भी रखा, लगातार काम करते रहे, फील्ड में रहते रहे, और हमेशा लगातार कुछ अच्छा सोचते रहे, कुछ अच्छा करते रहे, और उनके अंदर काम करते करते ये पहला सी से दूसरा सी में आए, दूसरे सी से तीसरे सी में आए, और तीसरे सी के बाद जब उनको रिजल्ट मिलने लगा, काम उनका होने लगा, तो आजकल उनके अंदर इतनी क्षमता पैदा हो गई कि वो अपने टीम से, खुद से 2 करोड़ 5 करोड़ का 10 करोड़ का बिजनेस करने की उनके अंदर क्या आ गई? क्षमता आ गई। क्या आ गया? क्षमता आ गई। और जब आपके अंदर किसी भी काम को करने की क्षमता आ गई, तो आपका पांचवा सी आपके अंदर आ जाता है, जिसका नाम है आप जैसे 5 करोड़ बिजनेस करने लगते हो, 2 करोड़ का करने लगते हो, जैसे 10 करोड़ का बिजनेस करने लगते हो, तो आत्मविश्वास बन जाता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मुझसे ये हो सकता है, और मैं ही इस काम को करूँगा। और जब आत्मविश्वास पैदा हो जाता है, जब आत्मविश्वास किसी भी चीज़ में आ जाता है, तो आदमी अपने आप सक्सेसफुल हो जाता है। जब भुवन के बाल से 4 चौका निकलने लगा, छक्का निकलने लगा, जब भुवन के बाल से लोग आउट होने लगे, जब उसका जो विकलांग था उसके बाल से लोग आउट होने लगे, जब लोगों की फील्डिंग अच्छी होने लगी, जब उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो गया, जब उसके तब जाके हिम्मत पैदा हुई, हिम्मत पैदा होने से कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा हो गया, और जब आत्मविश्वास पैदा हो गया तो लगातार प्रैक्टिस करते करते एक दिन ऐसा आया कि अंग्रेजों से और भुवन की टीम से टक्कर हो गई। अभी अंग्रेज और उनसे जब टक्कर हुई, तो इधर तो सब लोग कमिटेड थे, इधर तो सभी लोगों के हिम्मत थी, इधर तो सभी लोगों में क्रिएटिविटी थी, इधर सभी लोगों में कैपेबिलिटी थी, इधर सभी लोगों में कॉन्फिडेंस था, और जब युद्ध शुरू हुआ, तो उधर से भी अच्छा गेम, इधर से भी अच्छा गेम हुआ, और कॉन्फिडेंस इस लेवल पे बढ़ गया कि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, दूसरा कोई चारा नहीं, आज मंदाकिनी के अलावा मेरे लाइफ में कोई ऐसा दूसरा ऑप्शन नहीं है जो मेरे ज़िंदगी में 5 लाख रुपया महीना कमवा सकता है, इससे बढ़िया कोई अवसर नहीं, इससे बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, इससे बढ़िया कोई प्लेटफार्म नहीं, इससे बढ़िया कोई CMD नहीं, इससे बढ़िया कोई MD नहीं, इससे बढ़िया कोई लीडर नहीं, इससे बढ़िया कोई प्रोजेक्ट नहीं, इससे बढ़िया कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं, इससे बढ़िया कोई कंपनी नहीं। और जिस दिन आपको ये समझ में आ गया, आप में आत्मविश्वास आ गया, आप में जब जिस दिन आप आत्मविश्वास आ गया, फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती, डिगा नहीं सकती, रोक नहीं सकती सक्सेस होने से। माय डियर फ्रेंड्स, जब ऐसा आ जाता है आत्मविश्वास, तो बहुत सारे लोग अपने लाइफ में सक्सेस होना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ना, अपने लाइफ में मिसाल कायम करना शुरू कर देते हैं, अपने लाइफ में एक रोशन चिराग बन जाते हैं, एक रोशन मीनार बन जाते हैं, वो खुद तो जलते ही हैं और बहुत सारे लोगों को उजाला देते हैं, फिर वो 10-20 लोगों को नहीं, 100 लोगों को नहीं, हजारों लोगों की ज़िंदगी में अभूतपूर्व परिवर्तन लाते हैं। और उसको पाने के लिए ये एक चरण से गुजरना पड़ेगा, और ये चीज हासिल करने के बाद एक सी और बचता है, जिसका नाम है कंटिन्यूअस, निरंतर।
अंतरता। जैसे अभी हमने 2 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, हम 5 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, इस 5 करोड़ रुपए पे भी रुकना नहीं है। बहुत सारे लोग 5 करोड़ के जब पहुंच जाते तो उनको लगता है अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे आराम करना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा रुकना चाहिए, यहाँ पर मेरा अभी सेटिंग हो गई, मेरा 1 करोड़ 50 लाख रुपए की इनकम हो गई, अब मुझे आराम करना चाहिए, थोड़ा सा अब मुझे घूमना चाहिए, थोड़ा सा अपने लाइफ में कम्फर्ट आ जाए, थोड़ा सा मैं आनंद लूँ। और जैसे ही वो आदमी रुकता है, आत्मविश्वास उसका फिर टूटता है और वो फिर धीरे 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 उसका कमिटमेंट ना पूरा करने के पहले लेवल पे आ जाता है और उसकी जो सक्सेस जो उसके हाथ में ग्रिप में थी, वो सक्सेस की ग्रिप धीरे 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 उसके हाथ से निकलती जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल बनना है तो आपको लाइफ टाइम जब तक जिंदगी है कभी भी रुकना मना है, कभी भी ठहरना मना है, कभी भी रुकना नहीं। अगर जीवन में सक्सेस चाहिए तो रुकना नहीं, अगर रुक गए तो समझ लो आप खत्म हो गए। अगर आप रुक गए तो आपकी वैल्यू खत्म हो गई। जब जब कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी आदमी लाइफ में जब जब वो ग्रो किया है, तब तब उसको समाज ने, तब तब लोगों ने उसको एप्रिसिएट किया है। सचिन तेंदुलकर जब जब उसने शतक मारा है, तब तब सचिन तेंदुलकर को, तब तब विराट कोहली को तालियां मिली, माले मिले, ऐड मिला, करोड़ों करोड़ों रुपए मिले, तब तब उसको लोगों ने अपने सर पे बैठाया, तब तब लोगों ने उसको वाहवाही किया, तब तब लोगों ने बोला वाह क्या विराट कोहली तू क्या खिलाड़ी है और क्या तू खेलता है, क्या सचिन तेंदुलकर तू क्या मारता है। लेकिन जब जब उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस नहीं किया, जब जब उन्होंने कंटिन्यूटी को बरकरार नहीं रखा, जब जब वो 0 पे आउट हुए, जब जब वो 10 रन पे आउट हुए, जब जब उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया, तब तब वही लोग जो उनको सर पे बैठाते थे, माला पहनाते थे, तालियां बजाते थे, प्रशंसक थे, वही लोग उनको गालियां देते थे। यस या नो? तो जीवन में अगर आपको हमेशा सक्सेस के टॉप पे रहना है तो परफॉर्मेंस लाइफ टाइम करना है, कभी नहीं रुकना है, कभी नहीं झुकना है।